अलैक्म वहम आज हमने शोरसा की आयत सरसठ पेश करनी है पहले तलाब्लिए जा रही कहाँ से उठाना है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به खैर वी जहाँ तक लफ्ज़ी माना का ताल्लुक़ है वो मैं पहले दूसरी आयात के हवाले से इन तमाम अलफा की लुती तुत की तशरी कर चुका हूँ इसलिए उन्हें यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है बस लाज़ के मतलक और इख़्तम के मतलब जो मुफसरीन की वैसे हैं वो हमारे लायक़ ही नहीं हैं क्योंकि बहुत बात के मुफरीन की बहस उठाई हुई है जिस ज़माने में ये ख्याल ख़याल के दिल में जागजी हो चुका था कि यहूद को वाक़ता एक दूसरों को कदर करने का मौक़ा मिला था तो इनकी सारी तफसीरें इस मफरूदे पर मभनी हैं और ये मफरूदा यहाँ लगता नहीं इसको लगाने की खातिर उन्होंने बड़ा ज़ोर मारा है लेकिन लग ही नहीं सकता अगर इसका यह मतलब लिया जाए तो मैं भी आयत के उन तफसीलों में नहीं में जाऊँगा अब इस आयत की तस् करके तो आपको सुनाता हूँ कि ये यह माना यहाँ चस्पा हो ही नहीं सकता और अगर हम उन्हें ये हुक्म देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर दो या अपने घरों से निकल जाओ तो उनमें से चंद के सिवा बाकी ये काम ना करते अगर यहूद को यही हुक्म था एक दूसरे को कत्ल करते तो इस आयत का यहाँ ये माना बनेगा कि हमने ये हुक्म नहीं दिया कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो जबकि यहूद को ये यह हुक्म दिया था कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो यहूद ने उस पर अमल दरामद किया तुम ए रसूल्ला के मुती, तुमने तुम होते तो तुम इससे रू हो जाते और अमल दरामद न करते ये मतलब निकलता यह नामुमकिन है अलैहि वसल्लम के माने वालों ने तो कुर्बानियों की इंतहा कर दी हिजरत घर छोड़े तो अपने घर छोड़ने का हुक्म था घर छोड़ दिए गज़ाबात में साथ चलने के लिए इंतहाई खतरनाक मौक़े पर अपनी जाने लेकर हाजिर हो गए वह में क्या हुआ खंदक में क्या हुआ तो उनको ये कहना कि देखो तुम परेशान है तुम्हें यह नहीं कहा गया कि तुम अपने आप को कतल करो और घरों से निकलो घरों से तो निकले और कत्ल के हजुलिए अपने नफूस को पेश कर दिया इससे सिवा उनसे क्या तो हो सकती थी फिर अभी यहाँ इस मौके पर शिकवा है अगर तुम्हें यह कहा जाता है तो तुम ऐसा ना करते कहा गया और किया लेकिन यहूद की तरह नहीं कहा कि एक दूसरे को मारना शुरू कर दो और वो कहना वहाँ है ही ग़लत वहाँ ये कहा ही नहीं गया था यहूद को जो कहा गया था वो कुछ और था तो इसलिए इस आयत की तशरीह में तमामा ने ठोकर खाई है और बहाने तराशे हैं कि किसी तरह मुसलमानों को इसके जाहरी इतलाक से निकाल के ले जाए अमर वाक़ यह है कि यह नामुमकिन है अगर अकीदा ये हो कि यहूद को वाक़ता एक दूसरे को कतल करने का हुक्म दिया गया था तो ये आय तक्रीमा रसूल वल्लम और आपके सहाबा की शान के ख़िलाफ़ है उसके अकबर नहीं है इसलिए जो मैं तफ्री आपके सामने करूँगा ये आपको इन हवालों में कहीं नज़र नहीं आएगी और मेरे नज़दीक ये सब बेकार हैं क्योंकि मफूजे पर मबनी है और जो मैं तश्री करता हूँ उसके सवा मेरे नज़दीक कोई और तश्री यहाँ बरमहल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसम की मदा में बयान नहीं हो सकती वलौब न आलनफरक़ुम दयाल माँ फलूमिन यहूद से क्या मुतालबा था पहले ये समझना ज़रूरी है यहूद को उनकी नाफरमानी के नतीजे में सख्त तरीन सज़ा दी गई थी जो कि तोरात का अंदाज़ है हल्की भी हो सकती थी लेकिन उनको बहुत सख्त सज़ा दी गई और सज़ा का मकसद ये था कि तुम अपने ऊपर अपनी सारी जायज़ चीज़ें हराम कर लो अनफसकुम का ये मतलब है जो तुम्हारे लिए जायज़ भी करार दिया गया था अब अपने ऊपर आराम कर लो क्योंकि इसके सवाब तुम अपनी गुनाहों की पदाश नहीं चख सकते और इतनी सख्त सजा थी अनफसकुम की कि यहूद उस पर पूरा नहीं उतर सकते थे सवाय चंद के बस तमाम के तमाम अलग नज़दीक इन मानों में गुनाहगार ठहरे कि जो नफ्स की सख्ती का हुक्म उनको दिया गया था वो उसको सर अंजाम नहीं दे सके भया नहीं ला सके सवाए चंद थे हजरत भूषा के साथी जिन्होंने अपने आप पर हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की और रसूल हजरत भूषा का साथ नहीं छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये मजमून बयान हुआ है कि ये इतना एहसान करने वाला रसूल है और ख़ुदा की मलकियत के अंदर खुदा ने इसे इन मानों में शामिल कर लिया है कि जो सख्ती के तकाज़े थे उनमें इसकी दिल दिल की नरमी को इख्तियार दिया गया है कि उनसे नरम सलूक करें बस सहाबा से कहीं भी अलैहि वसल्लम ने शरीयत के सख्त पहलुओं का तकाजा नहीं किया उनके नरम पहलुओं का तकाजा किया है ये जब आप समझ लें तो सारा मसला हल हो जाता है तमाम अमूर में हमेशा जहाँ सख्ती का पहलू मौजूद था इख्तियार किया जा सकता था वहाँ रसूल सल्लाम ने बिला इस नरमी का पहलू इख्तियार फरमाया है रोज़े रखने के मतलब हज़रत दाऊद की मिसाल दी और फिर बार बार अपने इबादत के रंग में नरमी इख्तियार की ताकि लो, लोगों पर मशक्क़त न पड़े ये तालीम दी थोड़ा सा सुबह चलो थोड़ा सा शाम चलो थोड़ा सा आराम करो गर्जी के बेशुमार अदीस हैं जो इस मजमून पर रोशनी डाल रही हैं उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया क्योंकि ध्यान वो यहूद के कतल की तरफ गया है उन अहादीस को देखें तो ये मुराद है कि देखो कितना अजीम शाह रसूल है जो हर मामले में तुमसे सबसे नरमी का सबसे ज़्यादा नरम पहलू को अख्तियार करता है और तमाम तालीम और तमाम उस इस बात से भरा पड़ा है इसलिए अगर रसूल वसल्लम की नसीहत को ही अपना जान बनाएं तो इनका दिन आसान होगा इनका दिन मुश्किल नहीं हो सकता और इस आसान दिन पर अमल दरामद मुमकिन है ये पहलू है जो वलो नम फाल मायूजु भी लकाना ख़ैर लहूँ व अशद तस्वीर अगर वो ये बात समझ लेते और ये इख्तियार करते तो उनको सबात क़दम अता होता क्योंकि नस्बता रोज़मर्रा नरम तामील नरम तालीम पर अमल करना आसान है और उस पर सबात क़दम हो सकता है बस इन लोगों ने यह म किया है कि रसूल सल्ला वसलम को समझ नहीं सके यानी मुनाफिक तो समझ सकते ही नहीं थे मगर बिलमूम जिन लोगों ने भी कभी इतराज किया खा व मुनाफिकों के जोरे में ना भी शुमार हों वो रसूल वसम की इस अजीम शान को नहीं समझ सके कि आप नरमी की तरफ मायल रहे हैं और हमेशा नरमी की तरफ मायल होने के नतीजे में दीन को आसान बना दिया दीनो युस दीन आसान है इसको मुश्किल ना बनाओ तमाम ज़िंदगी मेरे रिसोर से इसी की तालीम दी है और ये वो ज़रूरी चीज़ थी जिसके नतीजे में लकाना ख़ैर लहूँ वाशद तस्बीता अगर वो इस बात को समझ लेते मोहम्मद रसोल्ला के इस मकाम को तो उनको तालीम पर अमल करना आसान भी होता और वो होती भी तालीम तालीमी ये नहीं कि अपनी तरफ़ से कोई आसानी पैदा कर ली गई है और सबातः कदम नसीब होता इस वाज तशरी के बाद किसी दूसरी तशरी इस की इसमें से ज़रूरत नहीं क्योंकि वो यहूद की तरफ लेके जाती हैं और कुछ ना कुछ ग़लत माना इख्तियार करके फिर वापस इस तरफ लौटती हैं और इस आयत में वह मानो ठीक बैठता ही नहीं

और जो तालीम का नरम पहलू फरमाया है उसको ज़रूर बजा लाते हैं और इस सूरत में हम उनको बावजूद इसके कि वो अपनी जात में भी अजर है यानी तालीम का नरम होना एक अजर है जिसको इंसान आसानी से जिस पर इंसान आसानी से अमल कर सकता है लेकिन उसके अलावा एक और अजर भी हम देते मिलदुल्ला खास अपनी तरफ़ से और अजय अजीम वो है जो हमारी तरफ़ से इस नरमी की तालीम पर अमल करने के नतीजे में फिर एक फ़ज़ल के तौर पर नाजिल होगा और वो बहुत बड़ा फ़ल है ये इसका ताल्लुक़ है पिछली आयत से अब मैं देखता हूँ कि वो पुराने ने इस सिलसिले में क्या फरमाया है हज़रत इबन अरबी जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो कत नफ्स का माना वही रूहानी तौर पर अपने ऊपर सख्ती मुराद देते हैं फरमाया कि ये अजय अजीम अल्लाह ताली की सिफ़ात के जहूर की सूरत में उनके कत नफ्स के वक्त में मिला यानी कत नफ्स किया रसोल वसम के साहबा ने और नफ़्स के कतल करने से मुराद ये खुदकुशी नहीं ले रहे बल्कि रूहानी लिहाज से सख्ती इख्तियार करने को कमाना इसमें मजबूर है तवरी ने सिर्फ अजरात शबाब अजीम अब यहाँ में किसर में है मिन इंदे मिन लद्न्ना मिन इंदे यानी अजन्ना हालांकि अजन अजीम में तशरी अगली आयत में आनी थी वजीम क्या है और जन्नत मुराद नहीं है यहाँ सब मिन लद्ल का वही तर्जमा जो सबको मालूम है वही कर रहे हैं कि हमारी तरफ़ से ना वाहम सरात मस्तमा अब अजर अजीम के साथ इसका ताल्लुक है मिलदुल्ना अजर नजीमा क्या देंगे वाला हदय ना नाहम सरात मस्तकमा और वह अजर ये होगा कि हम उन्हें सरात मस्तीम पर डाल देंगे सरात मस्तकीम कौन सी है जिसका सूर फातम जिक्र है रात मस्फ़ी वो है जिस राह पर दर्जा बदर्जा इंसान साल शहीद सिद्दीक और नबी तक बन सकता है ये तसलस है मजमून का और अब दोबारा आँखें खोल कर पढ़ें तो इस तसलस का इनकार मुमकिन ही नहीं एक आयत दूसरे के मज़मून को उठाती है फिर आगे चलाती है फिर उससे आगे फिर उससे आगे यहाँ तक इसने उस आयत में ज़रूर दाखिल होना है जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है व वह मई लाबरसूल वहाँ जाकर इस मजमून की तान टूटेगी और सही मजमून में आप दाखिल हो जाएंगे अब बिला इस शुरू से आखिर तक यही रवानी है आयात में जो एक मजमून पकड़ती है जिससे मडल रेस में एक छोटी को हाथ में पकड़ा जाता है और फिर अगली पार्टी की स्पुर दिया जाता है इसी तरह आयत ये काम कर रही हैं रफ्ता रफ्ता आपको उस आयत की तरफ ले जा रही हैं जहाँ मैत का ज़िक्र है वहदायना सरातमस्तक़ी वफ़ना हम मुस्तकीम तबरी ने लिखा है हम ज़रूर उनको मुस्तकीम पर चलने की तोफ़ी देंगे शरात मुस्तकीम पर चल के तो यहाँ पहुँचे हैं लेकिन आगे क्या मुराद है क्यों दोबारा सरारत मुस्तकीम की तरफ इशारा फरमाया गया इस बहस को ये नहीं उठाते अब चूँकि वो शुरत मुस्तकीम जिस पर नबी तक इंसान सफ़र कर सकता है वो इस ज़माने के लोगों को मंजूर नहीं थी वो सब बात से बहक चुके थे इसलिए सब ने यह तर्जमा यूँ करने की कोशिश की है हिदाय सियात मुस्तम से मुराद जन्नत की तरफ रहनुमाई है बाईपास कर गए हैं सहत को और मुराद ये रहते हैं कि जन्नत में लेके जाएंगे तो जन्नत में तो इससे पहले भी वादे चले आ रहे हैं जो ये काम करते हैं उनको शुरू से ही बार बार जन्नत की खुशखबरियाँ दी जा रही हैं इसलिए इसे जन्नत में जो पहुँचाया गया है एक बाईपास के जरिए उस आयत से इन्हसाफ की वजह इस आयत से घबराने की वजह से है अगर ये सरारत मस्तीम इस आयत में दाखिल होती तो सारा मजमून बदल जाता और वो मजमून इन्हें कबूल नहीं था इसलिए ये कहते हैं एक ऐसी सरारत मस्तम है जो जन्नत की तरफ ले जाएगी अब ये रास्ता सुन लीजिए कौन सा है इस दुनिया में है ही नहीं ये वो रास्ता है जो क़्यामत के मैदान से गुजर होकर हो गुज़रता है अब क़्यामत का मैदान कौन सा है जिससे होकर ये रास्ता गुजरता है के जो नक्शे खींचे हुए हुए हैं क़ुरान करीम में तो बिल्कुल और हैं और तो बिल्कुल वाज हैं इसलिए ये वो रास्ता है जो क़्यामत के मैदान से होकर गुज़रता है ये एक फर्जी फ़िस्सा है सब अरबी ने वही अलग राज्य के फलसफियाना और सूफियाना मानी फरमाए हैं आ फरमाते हैं यानी नफ्स की मनाजिल और मकाम से और इस तरीक़ से मुराद तरीक़ वहादत है और तोहद पर इस्तकामत है नफ्स की मनाजिल से गुजरेंगे वो ये सरारे मस्तिन है तमाम तफासिर वही बाईपास कर रही हैं जो जिसके मैंने इशारा किया है वो अगली आने वाली आयत से एम वसिन घबरा रहे हैं क्योंकि तो अगर उसका बरहक तर्जमा किया जाए तो उसके सिवा माना ज़ाहिर नहीं होता जो जमत आंदिया का मौकफ़ है आगे तस्वीर फिर क्या होगा इस रास्ते पर चलते हुए बागा, बागात में दाखिल होंगे सारे ये हवाले बेकार हैं इस पैरों से वजह मैं पहले बयान कर चुका हूँ अब मैं उस आया उन आयात के आयात के उस तसलसल को बयान करता हूँ जो मैं पहले मुख्तसरा ज़िक्र कर चुका हूँ कि सारी आयात इस आयत करीमा में दाखिल होती हैं असल रास्ता ये है जो इस आयत में दाखिल होता है और वो ये है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جو بي الله हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेंगे वो उन लोगों में शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है मालजीना का तर्जमा तफ़ी शरीर में किया गया है उन लोगों में शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए और साथ ही तर्जुमा किया जाए जैसा कि गैर इस करते हैं तो फिर ये बनेगा बस यही लोग होंगे जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया लेकिन साथ का माना मिन भी हुआ करता है और साथ का माना शरीक महफिल भी हुआ करता है तो क़ुरान किन मानों में यहाँ साथ का लफ्ज़ फर इस्तेमाल फरमा रहा है अगली आयत इसकी तशरीफ़ फरमा रही है ए मेरा नबी नबीन वो तो साथ होंगे सिर्फ़ शरीक महफिल होने के लिहाज से नहीं बल्कि मरतबे के लिहाज से वो नबियों में दाखिल उनमें से बाज़ नबी होंगे बाज सिद्दीक होंगे बाज़ शहीद होंगे बाज साले होंगे मिनन नबी ये नबीकना में इस आयत में जो मरातब हैं उनकी तरफ़ बिल्वूम इशारा फरमाकर इन लोगों को इन लोगों में से किसी एक के साथ मुनसलिक फरमा दिया गया है यानी नबी जो नबी होगा वो मेरा नबीन का जो है उसको कवर करेगा जो सिद्दीक होंगे इनमें से वो सिद्दीक के किताबें आएंगे, जो शहीद होंगे वो शहीद के और जो सालहीन हैं वो सालहीन के किताबें ये आयत है जो खुलम खुला ख़ातमनबी की तशरी करती है और एक ऐसी आला तशरी करती है कि उससे बेहतर तशरी मुमकिन नहीं है यहाँ खातमनबीन को तमाम फ्यूज़ को रोकने वाला नहीं बयान किया गया बल्कि तमाम फ्यूज़ को जारी करने वाला बयान किया गया पहले इससे दस्तूर ये था कि जो भी नबियों की तालीम पर अमल करते थे ज़रूरी नहीं था कि उनकी उस तालीम की वजह से उनको बड़े बड़े मनाथे बता किए जाते लेकिन उसके बावजूद ज़मानों में यही होता रहा है कि जिन लोगों ने भी अपने वक्त के रसूलों की अदात की है उन्हीं में से नबी भी पैदा हुए हैं उन्हीं में से सिद्दीक भी पैदा हुए हैं और इसी तरह ये मजबूर सवाल इन तक पहुँचता है अब सवाल ये है कि गुजा अम्बिया की अतात पे तो अल्लाह ताला बाज़ों को नबी बनाता था जिनको मुनासिब समझता था हालांकि उनसे तकाज़े अदना हुआ करते थे यानी अतात का वो रंग उनमें नहीं ढूँढा जाता था जो रसोल की अतात में ढूँढा गया है उसके बावजूद उन लोगों को अल्लाह ने किसी मरतबे से मरूम नहीं रखा ये ऐसी हकीकत है जिसका कोई दुनिया कालम इनकार नहीं कर सकता तमाम गुजशत अम्बिया के मुतबीन को अल्लाह ताला ने नबी भी बनाया और शदीक शहीद साले भी बनाया अब सवाल ये है कि ये आयत क्या इसके बरक्स मज़ून पेश कर रही है कि मोहम्मद रसोल्ला के मुतबीन से ये दर्जा ये दर्जे या बाज इनमें से छीन लिए गए ये बहस है सर और माँ के नज़दीक नबूत का दर्जा छीन लिया गया है और इसी वजह से माँ का माना ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि नबूत किसी तरह उससे निकल जाए और माइत का ऐसा माना लेते हैं जो रसूल सल वसलम के मुतबिन की गुस्ताखी और ख़ुद रसूल वम की गुस्ताखी है इसका ये मतलब बनेगा कि गुज्त ज़मानों में तो हमारा दस्तूर था यानी अल्लाह ये कह रहा है गोया के हमारा दस्तूर था कि अम्बिया के, के मुतबैन में से बाजों को हम नबी भी बना दिया करते थे बाज़ों को शीक बाजों को शहीद हंस में बनाते लेकिन ये दस्तूर अब बदल चुका है अब मोहम्मद रसूल आ गए हैं इसलिए आपके आने के बाद आपका कोई मुतब नबी नहीं बन सकता बस पहले मकाम को आगे ले जाने वाला नबी नहीं उन बल्कि उनको घटाने वाला नबी है और इसके मुतबीन कम से कम एक नमत से ज़रूर मरूम कर दिए गए हैं हालांकि उस नमत के मतलब वादा था एह दिन सरातलफीम सरात अजीना नमताम और उसमें कोई गदगा नहीं लगाई गई थी कोई रोक नहीं डाली गई थी ये माना है जो इन लोगों के इसरार के नतीजे में जाहिर होता है और इस माना को हम हरगज़ कबूल नहीं कर सकते क्योंकि रसूल सल्ला वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ है और इस आयत के अल्फाज करीमा के ख़िलाफ़ है जो इस मान को रद्द कर रहे हैं आज सल्ला वसल्लम का मर्तबा और मकाम बंद रहमतें और फजल बंद करने वाला नहीं बल्कि रहमतें और फजल जारी करने वाला है बस इस आयत करीमा का वही माना निकलेगा जो ख़ातम के लफ्स के साथ पूरी तरह मुताबिकत रखता हो और ख़ातम की बहस में मैं इससे पहले बारहार ज़िक्र कर चुका हूँ कि खातम में फैज़ का इजरा मुराद है फैज को ख़त्म करना मुराद नहीं क्योंकि ख़ातम का जो भी आप माना करके देखें बुनियादी तौर पर ख़ातम वो मोहर है जैसे ये मोहर जो इस पर चस्पाँ है दूसरे पर चश्मा कर देगी बस रसूल सल्ला वसम ख़ातम हैं इन मानों की रूह से कि आपकी मोहर ने लोगों को नबूत अता की है और जितने भी नबी हैं अगर उस पर मोहम्मद रसोल्ला की खातमियत की मोहर है तो वह नबी हैं वरना नहीं हैं क्योंकि रसूल वसलम की खातमियत में अम्बिया की तमाम बुनियादी सिफात मौजूद हैं और वो सिफात हैं जिन पर पहले जितने भी नबी आए हैं वो उन सिफात के हामिल थे यानी नबी के लिए जो बुनियादी शर्त है कि वो अपनी तरफ से बात न करे जो उस पर नादिल हो रहा है वही आगे करे खुदा तला की तरफ से अमीर मुकर हो और अमानत का हक़ अदा करे ये वो बुनियादी शरत है नबूत की जो बदरज आतम रसूल सल्ला में मौजूद है लेकिन गुजशत अमिया भी इन सिफात के हामिल थे और वो तमाम अमिया भी इन सिफात के हामिल थे जिनका जिक्र कुरान करीब में मौजूद नहीं है दुनिया के पर्दे पर नज़र डाल के देख लें बेशुमार नबी आए हैं अगर आपने उनकी नबूत को परखना हो तो मोर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल से परखो अगर वो निशान मिलते हैं जो रसुल्ल की नबूत के अंदर मरकज़ी आते हैं तो फिर उनको नबी कहा जा सकता है और उनकी पहचान इस मोहर से होगी इस मोहर के अलावा उनकी और कोई पहचान नहीं है ये पहलू वो है जो हज़रत महम्मद रसोल सल्ला वसलम को तमाम दीगर नबियों से बाल करार देता है क्योंकि जितने भी पहले नबी गुज़रे हैं उनमें से एक ने भी ये दावा नहीं किया कि मेरी मोहर से बाकी नबियों को पहचानो बल्कि अब बिगड़ी हुई सूरत में उनके दावे ऐसे मौजूद हैं कि हमारी मोहर से अपनों को पहचानो और बाक़ियों को रद्द कर दो चुनाचे अम में से किसी नबी का आप नाम जहन में रखें उसने कभी किसी और कौम के नबी की तस्दीक नहीं की कोई एक दिखाओ ईसाइयों को ले लो यहूद के सफरकों को ले लो इससे पहले अम्बिया को ले लो किसी ने भी तमाम आलम पर ज़ाहिर होने वाले अम्बिया की तस्दीक नहीं फरमाई क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी वो महदूद कौमों के लिए थे एक ही नबी है यानी हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम जिन्होंने उन नबियों की तसदीक फरमाई है यहाँ तक तस्दीक फरमाई कि आपके ऊपर ईमान लाने के लिए शर्त मुकर हो गई कि अगर एक भी और नबी पर ईमान नहीं लाओगे तो महम्मद रसोल्ला पर ईमान नहीं लाओगे अपने ऊपर ईमान लाने को इस शर्त के साथ बांध दिया है अगर तुम मेरे पर ईमान लाते हो तो मैं तो सबका मुसद्दिक हूँ जिसका मैं मुसद्दिक हूँ उस पर ईमान लाना ज़रूरी होगा अगर मुझ पर ईमान लाते हो और मसीह का इनकार करते हो तो तुम्हारा मुझसे भी कोई तालुक नहीं अगर मुझ पर ईमान लाते हो और मूसा पर, पर नहीं लाते या कृष्ण पर नहीं लाते या बुद्ध पर नहीं लाते या दीगर अम्बिया जो मुख्तलि में ज़ाहिर हुए उन पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे काटे गए इसको कहते हैं तस्दीक ये तस्दीक दुनिया में कभी किसी ने की और आपका आपकी खात्मीत का ये तकाजा था कि आप तमाम अमैया की तस्दीक फरमाते और जो उस तस्दीक में आपके साथ शामिल न होता उसको अपने कर लग से काट के अलग फेर देते बस ये ज़माने से आज़ाद एक कैफियत है हर जमाने के लिए आइंदा जमानों के लिए भी पहले जमानों के लिए भी जिसकी आपने तस्दीक फरमाई वो नबी है जिसकी नहीं फरमाई वो नबी नहीं है ये माना इस आयत में मज़ीद उठाया गया है अब पहले माना के रू से सवाल एक पैदा होता है कि फिर पहले अम्बिया के मानने वालों में तो कसरत से नबी मिलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम के मानने वालों में कसरत से नबी क्यों नहीं मिलते तो उसकी वजह मैं पहले बारह बयान कर चुका हूँ कि तस्दीक शर्त है इसलिए जो भी नबूवत का दावेदार होगा उसका फ़र्ज़ है कि मोहम्मद रसुल्ला की तस्दीक दिखाए बड़े बड़े बुज़ुर्ग और या पैदा हुए हैं मददसिन पैदा हुए हैं जिनमें नजर से नबूत की अलामती मिलती हैं और गुज़त उमतों में जो बड़े से बड़े नबी गुज़रे हैं उनके बराबर उमत महमदिया में मुहदसिन मिलते हैं जो वो तमाम शान अपने अंदर रखते हैं बल्कि उनसे ज़्यादा जो बाइबल के नबियों में मशकूल हैं अगर इंसाफ की आँख से देख कर अब उमत मोहम्मदिया के बुज़ुर्गों का मुजना पहले नबियों से करें जिन बाइबल ने नबी करार दिया था फिर आप इंसाफ़ से मुजना करके देख लें कि आपको कौन नबूत की शान में ज़्यादा अजीम दिखाई देता है लेकिन ये सारे मुहदसिन तमाम अलियाल्ला और, और तमाम वो बुज़ुर्गान जिनकी बात मैं कर रहा हूँ मिल जुमला कर रहा हूँ उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसने आलमी होने का दावा किया हो जिसने ये कहा हो कि मैं कुल आलम को इस्लाम का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ और इस सिलसिले में उसने एक जहाद आम किया हो चूँकि रसोल सल्ला वसल्लम ने नबूत का मैार बुलंद कर दिया है अब इस के साथ वक्ती नबूत और इलाकई नबूत नबूत नहीं कहला सकती अब वही नबूत नबूत कहलाएगी जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम की मुताबत में कुल जहान के लिए हो युज़ रहूद्दीन ही के मज़र हो सारे जहानों को इस्लाम के ज़र नगी करने वाली नबूत हो ऐसा शख्स सिर्फ़ एक है जिसकी रसूल सल ने तसदीक फरमाई है कहीं उसको ईसा कहा गया कहीं उसको महदी कहा गया मगर हर सूरत में पैगाम यही दिया गया है कि ये शख्स जो नबी होगा ये कुल आलम में मेरे काम को उसी तरह फैलाएगा और इस्लाम की तरक्की जहाँ रुक गई है वहाँ से उठाकर आखिर तक तमाम दुनिया पर इस्लाम को मुहित करने के लिए और तमाम अध्यान पर इस्लाम को मुहित करने के लिए एक जद का आगाज़ करेगा ये है ख़ात्मियत की असल पहचान कि खातमियत रसूल वसम की इस तस्दीक ही का नाम है और ये तस्दीक सब नबियों को हासिल रही आपकी उम्मत में इस तस्दीक के लिए एक ऐसे वजूद को चुना गया जिसने कुलियतन आपके रंग इख्तियार करने थे और इस्लाम को असर नौ अदियान बात पर गालिब करना था उसके सवा किसी और के लिए ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था बस इस पहलू से इस इसमें इस बहस इस को मैं पहले कई दफ़ा उठा भी चुका हूँ मुख्त्य सूरतों में मगर अभी शायद के हवाले से आपको याद याददानी करवा रहा हूँ वो मायूस माइल्हर रसूल कमल को मतलब बनेगा बस जो भी अल्लाह रसूल की अतात करेगा बस मज़ीन आनम ऐसा अताात करने वाला उन लोगों के ग्रोह में शामिल होगा जिन के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने इनाम फरमाए यानी कै किन मानों में शामिल होगा मिनन नबी है ना नबियों में से होगा मान नबी ने नहीं फरमाया अब माँ की तशरी मिन के अल्फाज ने कर दी माँ किन मानों में यानी साथ साथ फिरने वाले मजलिसम शरीक शरीफ नहीं मिनन नबी ये महमद रसोल्ला के मुती नबियों में से होंगे व सदीकैन व शहदाए व सालीन और सदीकों में से होंगे और शहदा में से और साहिल साल में से होंगे अगर महमद रसोल्ला के मुतबिन नबी होंगे तो पहले नबियों से बढ़कर होंगे अगर मोहम्मद रसोल्ला क्योंकि मोहम्मद की सिफात के जामे होंगे वरना नबी नहीं करा दे सकते मैंने ही यही माना बाज गुज्तर बहुत बुलंद पाया फरमाए हैं वो कहते हैं कि आजर सल्ला वसम की उम्मत में जो मरतबे अता किए गए हैं खसूस वो जो महदी और मसीह को हासिल होंगे वो पिछले तमाम आइमां से और बुज़ुर्गों से बढ़कर होंगे इसलिए कि वो शख्स जिसको इमाम मह, इमाम, इमाम कहा जाएगा या ईसा के लगब से मुखातब किया जाएगा वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर होगा आपके अखलाक को अपना कर आपकी शक्ल इख्तियार करने वाला होगा वो कहते हैं ये कैसा जाहिलाना ख़्याल है कि कोई शख्स रसूलुल्लाह की तस्वीर बन जाए और पहले नबियों से अदना हो गोया ये सूरत अदना है ये अखलाक का ढांचा जिसकी पैरवी करके कोई रसोल्ला वसम के मुशावे बनने की कोशिश करता है अगर ये असल अदना ना हो तो फिर इसकी नकल उतार के बिल्कुल वही शक्ल इख्तियार करने वाला अदना कैसे हो गया और अगर वो अदना है तो फिर पहले तमाम अम्बिया से ये भी अदना बना क्योंकि इसकी शक्कल अदना बनी और ख़ुद भी फिर अदना हो गया नवज़िलजार ये एक कुफर की बात है चुनाच शिया मुफसरीन तक ने भी ये लिखा और तस्लिम किया कि हमारे आइमा से भी बढ़कर जो अल इमाम माही है इस वजह से बढ़कर है कि वो मोहम्मद रसोल्ला के एक सच्चे नुस्ख़े की एक तस्वीर बनी हुई है जिसको तो हम आजकल हम अक्स लेते हैं ना तस्वीरों का ट्रू कॉपी वो ट्रू कॉपी बयान करते हैं कहते हैं ट्रू कॉपी होगा इसलिए हमारे आइमत से लाजमन बढ़कर होगा ये वो मजमून है जिसको जिसके साथ माइत का मजमून और बाद में आने वाला फ़रा आपको समझ आएगी अगर मोहम्मद रसोल्ला केमाम नबी हों तो वो नबूत में मोहम्मद रसोल्ला के मुशावे होने की वजह से नबी होंगे और इस पहलू से वह लाजमन पहलू से आला हैं ठीक है अगर वो सदीक हों जैसा कि हजरत अबू बकर सदीक़ थे तो पहले तमाम सदीकों से वफजल हैं अगर वो शहीद हैं जैसा कि शहदा का हाल आप जानते हैं तो गुज्त तमाम शहदा से वफजल हैं क्योंकि ये रसोल्ला के मुतबिन हैं यहाँ मैार ऊँचा कर दिया गया है और अगर सालेहीन हैं तो बहसीत साल सालेहीन, बाद सालेहीन, नबू नबी भी हैं वो अलग मसला है बहसीत सालेहीन, चौथे दर्जे के लिहाज से ये गुजशत तमाम सालेहीन से जो पुराने अम्बिया के पीछे चल कर साले बने थे उनसे अफजल हैं ठीक है अगर ये है तो हसना हसन का रफीका से क्या मराद है ये लोग हैं जो बेहतरीन हैं इनकी रफाक़त बेहतरीन है जिन लोगों को इनकी रफाकत नसीब होगी वो खुश नसीब हैं अगर ये माना नहीं लिया जा, जा लिया जाए और जैसा कि दूसरे ने इस मजमून को फेरने की कोशिश की है अगर ये माना लिया जाए कि ये सारे हसनए का रफ़ीका ये पहले लोगों के रफ़ीक होंगे जो नबी गुज़रे ये शहीद हुए और कैसी उमदा रफ़ाकत है इनकी पुरानों को इन पर फख्र होना चाहिए कि हमें इनकी रफ़ाकत नसीब हुई ना कि इनको पुरानों पर क्योंकि मोहम्मद रसोल्ला और आपके साथियों का मरतबा तो बहुत बुलंद है इसलिए हसना उलाय का रफ़ीक में ये उलमा ये चक्कर देने की कोशिश करते हैं कि ये साबित किया गया है कि ये लोग साथी के तौर पर तो ठीक हैं मगर जो गुज्त गुजरे हुए हैं उनका साथ इनको नसीब होगा पुराने नबियों के साथ होंगे पुराने शहीदों साधकों के साथ होंगे और कैसा उमदा साथ इनको मिला है हालांकि उनको साथ मिला है जो पुराने लोग इनके साथ शामिल होंगे उनकी खुश नसीबी है कि वो मोहम्मद के वलामों के साथ शरीक कर दिए गए अब इस आयत की तफसीली बहस में मैं पढ़ता हूँ मुख्तलफ़ल ने जो वैसे उठाई हैं वो छेड़ कर फिर मैं मईत की सब किस्मों का जिक्र मैं करूँगा और हवाले दूँगा <द्थारीग> में लिखा है कि ये इज्तम चार तरह से हो सकता है दोनों एक मकान में इकट्ठे हों दोनों एक ज़माने में इकट्ठे हों दोनों एक इजाफी माना में शरीक हों दोनों एक दर्जा और मर्तबा में यकसा हों ये चार इमकान हैं ये मामरागब में से हैं। एक फ़र्जी रवायत ये बयान की गई है मोजमुल कबीर व तबरानी में जिसका फ़र्जी होना वाज़ है और दूसरे ने इसको पकड़ा है कि ये बिल्कुल फ़र्जी बात है हकीक़त हाल से इसका कोई तल्लु नहीं वो रवायत बयान करती है एक शख़्स ने कहा किया यार रसोल्ला आप तो जन्नत में होंगे नबियों के साथ और आपके साथ आला दर्जे के लोग होंगे मुकाम बाला में रखे जाएंगे अगर मैं जन्नत में चला गया तो डरता हूँ कि आपका दीदार ना कर सकूँगा क्योंकि मैं आपके साथ नहीं होंगे इसका मतलब है अभी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने उसे जवाब नहीं दिया था कि जबरील इसायद के नाथ नाजुल हुए वमईतर रसूल कमलना मुझुम रौसतरानी कि इस आयत का मंतूक सिर्फ़ ये है कि रसोल्ला के साथ रखे जाएंगे मरने के बाद और जबरील ने ये आयत उस वक्त जाहिर की जब ये सवाल हो रहा था इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इस पर बहस करते हुए फरमाते हैं हम इन रिवायत की सेहत का इनकार नहीं करते मगर ये ज़रूरी मालूम होता है कि आयत के नजूर के सब इससे बहुत बड़ा हो अब इमाम फखन राज़ी बहुत सी रिवायत पहलों की ले चुके हैं जिनका इनकार करने से उनको मुश्किल पेश आ सकती थी इसलिए ये एक बड़ा अच्छा उज़र तराशा है कि चलो हम इनकार तो नहीं करते लेकिन आयत के सब, नजूर का सब इससे बहुत बड़ा है ये नजूर का सब हो नहीं सकता और वो है अताात की तरफ़ मायल करना उसकी तरगीब जलाना ये तो आप जानते हैं कि सबब का ख़ास होना अमूमी मानी लेने में मायूब नहीं है बस एक आम आयत है जो तमाम मुखलफिन के हक़ में है और वो हक़ यह है कि जो कोई भी अल्लाह और उसके ओूल की अतात करेगा वह के नज़दीक अली दर और बड़े मरातब केसूल में कामयाब होगा फ़िर के इमाम राज राजी चाहे किसी उजर से इसको मान को रद्द करें वो इस मान को रद्द करते हैं ये माने मुराद नहीं हो सकते <प्राथ> इमाम अब अबू हयान उंदल सी फरमाते हैं <प्राथ> अल्लाह ताला का फरमान मालजीन अल्लाह त कौल अनमता अलैहिम से मिलता है ये पते ही बात है कि अनमता अलैहिम की तफसीर है और ये वही लोग हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में किया गया है ज़ाहिर है कि अल्लाह ताली का कौल मिनन नबीना तफसीर है अलैहिम की वही माना ले रहे हैं इस जगह जो हम लेते हैं न्ना आयत में जी खुशखबरी दी गई थी कि तुम ये सारे मरातब पा सकते हो उसकी तफसील है कि किस तरह पा सकते हो मोहम्मद रसोल्ला की तात के जरिए पा सकते हो अगर इस तात से बाहर हो गए तो इन मरातब को नहीं पा सकते इतनी अच्छी बात करने के बाद फिर जब नज़र आया कि क्या कह गया हूँ मैं फिर घबरा कर वो पीछे लौटे हैं और कहते हैं उलाए का माल लजीना मिनल लजीना से मराद फरिश्ते हैं किसी की बात नहीं फरिश्ते तो मोहम्मद के किताबें हैं फरिश्तों को तो वो मकाम नसीब नहीं हुआ मोहम्मद रसोल्ला को नसीब हुआ फरिश्तों के सबसे बड़े फरिश्ते पर जलते थे वहाँ तक जाने से तो इस आए तक्रीन में माँ से मुराद फरिश्ते लेना इतना लगभग ख्याल है कि सारी अच्छी बात जो पहले की थी उस पर पानी फेर रहे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि इनके कहने की वजह से हम ये यकीदा रखते हैं जीम बताया कि अच्छा उम्दा ख्याल आ गया और फिर उससे ग्रेस की कितनी तेज़ी से कोशिश की है अब यहाँ तफसीर श्यामें यह है कि अनबीन से मुराद रसूल सल्लाम हैं सदकिन से अलीलाम शहदा से हसन और हसैन और सालहीन से मुराद इम हैं हसन उल के रफ़ीक है ये बात ख़त्म हो गई इस पर ये जो तफसीर असल जो मेरी शुरू होनी है अभी इसके बाद होगी मैं जिन्हें बता रहा हूँ कि पुराने वुमार क्या कह गए हैं इस पर मानी के मुनफ़ामा अलूसी इस मान से शुरू करते हैं कि रूहानी मनाजिल चार हैं जिनमें से बाज बाज से कमतर हैं मनाजिया अव्वल मनाजराम्बिया है ये वो लोग हैं जिनको इलाही ताकत मदद देती है उनका नफ़्स आला और पाखीज़ा मरातब में उनकी मुसाहबत करता है ये वही माने हैं सारे जो हम लेते हैं कि बड़े बड़े मरातब दर्जा बदर्जा बयान किए गए हैं तीसरी मंजिल शुदा की है ये मजमून तफसीली है इस मजमून पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं क्योंकि बैन ही इसी तरह ये दर्जात को खोल रहे हैं जिसका ज़िक्र बकसरत हमारे लिटरेचर में मिलता है एक एक दर्जे को लेकर उस पर बहस फरमा रहे हैं कामलिन के चार मरातब हैं नबूवत और नबूवत के मदार का कुतब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये इस ऐसे उम्दा अल्फाज में इन्होंने इतराज़ से बचने की कोशिश की है कि यह नहीं फरमाया कि नबी से मुराद नबी रसोल वसम ही हैं मेन नबीना उनके मुतब इनको नबी करार दिया गया है लेकिन कुतुब की पैरवी करने वाले अम्बिया कुतुब मोहम्मद रसोलम हैं और उस कुतुब की तरफ तरबू करने वाले नबी हो सकते हैं क्योंकि मोहम्मद रसोल्ला का कुतब आला दर्जे की मरातब की तरफ रहनमई कर रहा है चाहो तो आओ शामिल हो जाओ और इस मरतबे को हाजिर कर लो फिर सदीकियत हजरत अबू बकर सिद्दी फिर शहादत शहादत के मदार के खुतब हज़रत उमर फ़ारूक ये इन्होंने बनाए हैं फिर वलायत और वलायत के मदार के ख़ुतुब हजरत अली करम्ला वजह हैं करम अल्ला वजहू हैं और इस आयत में सालहीत के लफ्ज से वलायत की तरफ इशारा है पूछने वाले ने ये बहुत सूफ़ी मिजाज लगते हैं बुज़ुर्ग क्योंकि पूछने वाले ने इनसे पूछा कि बताओ फिर हज़रत उस्मान को कहाँ रखोगे हज़रत अबू बकर का जिक्र कर दिया और शेख का जिक्र कर दिया हज़रत अली का ज़िक्र कर दिया तो उस्मान के मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है इसका बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने फरमाया उन्होंने एक हिस्सा तो शहादत के मरतबा में से पाया और दूसरा हिस्सा वलायत में से आरफीन के नज़दीक आपके जु होने का ये माना है बहुत उमद ये कब किस जमाने के हैंसी उलूसी, उलूसी हैं लेकिन बहुत उमदा मज़मून बयान फरमाया है और जवाब भी बहुत अच्छा दिया है ये यूर की बहस आजकल चली हुई है वो मैंने हवालों को एक कमेटी बनाई थी बताई थी ना रसोल वसलम की दो बेटियों से आपकी शादी का होना ज़िक्र वो वाक़ता ऐसा हुआ है ये ये सारी सूरतें ऐसी हैं जिन पर हम अभी तहकीक कर रहे हैं बहुत दिलचस्प और अहम तहकीक है कि सल्लम के ज़माने में आपकी कौन सी बेटियाँ हैं जिनका जिक्र मिलता है कि आप उनके यहाँ जाया करते थे उनसे मोहब्बत के तलुक़ उसवार थे अगर आप अपनी याददाश्त से काम लें तो आपको हज़रत फ़ातमा के सिवा कोई जिक्र नहीं मिलेगा और ये रसूल वसम की शान के मुनाफी बात है कि आप सिर्फ़ एक बेटी से प्यार करें और बाकी सब बेटियों को नज़रअंदाज कर दें जो मुश्किल वक्तों में हजरत खदीजा के बतन से पैदा हुई है ये जो बहस है जब इसको उठाया गया तो इनके ज़िक्र की बातें बहुत सी मोदी दोस्तों साहब ने बयान फरमाई हैं लेकिन उन बातों में ख़ुद मज़ीद तहकीक की बहुत गुंजाइश मौजूद है इसलिए मैंने एक कमेटी अब मुक्र कर दी है कि जिन पहलुओं से मैं चाहता हूँ कि रसूल वसम की पूरी शान अपने औलाद से ताल्लुक़ और हजरत फदीजा से ताल्लुक़ की कति अहदी से साबित हो जाए कि ये बेटियाँ थीं किस किस सन में वफात हुई उस अरसे तक रसूल सल्लम का आने जाना उनके साथ माशरत इसका क्या सबूत मिलता है ये सारी बातें इकट्ठी होंगी तो फिर समझ आएगी कि जुन्नूरैन के क्या मानी हैं मेरे इस मसला को अलामा तो हल कर दिया <laughs> वो कहते हैं जुन्नूरैन के माने और हैं लोग गलत तरफ चले गए हैं नैन के ये माने हैं कि आपको शहादत का मरतबा भी नसीब हुआ और वलायत का मरतबा भी नसीब हुआ ये उस तल्लु है मैं असल से ज़रा सा हट गया अब अहादीस में मजकूर शहदा किस किस को शहीद कहा गया है शहीद का एक माना तो वो है जो लोहवी माना है जो इस्लामी लगत में लिया जाता है जो राह हक़ में अपनी जान गंवा दे लेकिन ये बात अब याद रखें कि ये चारों मरातब बदरज ओला नबियों में भी पाए जाते हैं साल का लफ नबियों के जिक्र में मिलेगा सिद्दीक का लफज नबियों के जिक्र में मिलेगा शहीद का लफ नबियों के जिक्र में मिलेगा बल्कि ये होगा कि सबसे बड़ा शहीद जो सब शहीदों पर शहीद है वो मोहम्मद रसोल्ला बस मोहम्मद रसूल वसल्लम के इस जिक्र के साथ ये मसला तो हल हो गया कि यहाँ जो चार मरातब बयान हुए हैं ये नबियों से अलग कोई मरातब हैं और लोहवी माने हैं और जहाँ से नबी इस्तेमाल हुआ है वो भी लोहवी माने में इस्तेमाल हुआ है वरना नबी सारे मरात का हामिल हुआ करता है अब इस पहलू से जो शही, अल्फाज हदीस के मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ शहदा का मज़मून हदीस के हवाले से आपके सामने पेश किया जाता है मन कोतल फ़ी सबील एक ये माना है कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए ये वो लोहवी है जो हम सब जानते हैं अलमबतूनों जो पेट के मरद से मर जाए अब जाहिर है कि मादी में जो शहीद है वो पेट के मरद से मरा मराद नहीं है साफ जाहिर है अलमतूनों मन मातफ ताउन वो भी शहीद है अब जो ताउन के मारे में नौजबिले कि इस आदमी तो नहीं आ सकते <coughs> इसलिए इस आयत का जो मंतूख है वो तमाम तश रसोसम की अदीस पर गौर करने से आज ख़ुद ज़ाहिर होता चला जाता है मतून किस बात का शहीद है जिसको ताउन से मरने वाला शहीद कहा गया है वो गवाह है इस बात का कि रसोल क़ुरान करीम और रसोल वसलम ने जो पेशगोई फरमाई थी कि आइंदा ज़माने में एक कीड़ा निकलेगा मैं गवाह बन रहा हूँ उसका मैं मर... अपनी मौत से इसकी गवाही देता हूँ कि पेशगोई बिल्कुल सच्ची निकली इन मानों में हम तमाम ताउन के मरने वालों को अहमदीत और इस्लाम यानी एक ही बात है और मसीह मौत की सच्चाई की तौर शोहदा के तौर पर शहदाक इस तौर पर पेश करते हैं ये सारे मरने वाले अपनी मौतों से शहादत दे गए ये हज़रत मसीहदा इस्लाम वही रूहानी वजूद हैं जिनकी तइद में क़ुरान ने कहा था कि उनके इनकार के नतीजे में एक कीड़ा निकलेगा ज़मीनी जो लोगों को अलग करेगा अलगारो डूब कर मरने वाला शहीद अब फिर शहीद है शहीद है इन मानों में शहीद है कि उसने गवाही दी कि उसके हक़ में मूसा की पिशगोई सची निकली उसने गर्क होना था बस बहसीत गर्क के उसकी शहादत इन मानों में है वल मरा तो यखलोहा वाला दोहा जमा वो औरत जो बच्चे की वलादत के दौरान फौत हो जाए वो शहीद है बच्चे की वलादत के दौरान फौत होने वाली औरत इन मानों में शहादत के लिहाज से पहले सब ग्रहों से मन्कोल के सिवा करीब तर है शहीद के माने के कि वो अल्लाह ताला की तकदीर के ताबे जो सिलसिला तवाल शुरू हुआ है उसको जारी रखते हुए उसने गोया अपनी कुरबानी पेश कर दी और एक क़ुरबानी ऐसी है जिसके बाद फिर कोई बदअमल साबित नहीं हो सकता जिसका आखिरी फेल है बस ये शहीद एक एक नस्बता निस, मुनफरिद और अलग शहीद है जल कर मर जाने वाला भी शहीद है अब कितने हैं जो जल के मर जाते हैं आए दिन यहाँ भी मरते रहते हैं बाहर भी मरते रहते हैं वो शहीद कैसे हो गए ये बताएं जी जल कर मरने वाला शहीद हो जाता है जल कर मरने वाला जान लेता है कि आग जहन्नम की आग क्या चीज़ है उससे वो पहचान लेता है कि बड़ी बला है अगर ये दुनिया की आग मरते वक्त वो अपने अमल से ना सही अपनी नफ्सियाती हालत से दे जाता है कि दुनिया की आग इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो फिर अगली आग का क्या हाल होगा वल हो यानी अल हदमो शहादत हद अलहदमा शहात व मगमूम क्यों लिखा हुआ ये समझ नहीं आई मगमूम में तो गम गं, गमजद अलमगमूम यानि अलदमा शहादत मकान गिरने से दबकर मौत वाक़ हो जाना शहादत है इसका कोई माफ़ करना इसका कोई इस जवाज़ मैं ढूँढ रहा हूँ कि यह किस मानों में शहादत है हदम मेरा ख़्याल है ये क़ुर करीम की बहुत सी आयात की सेहत की शहादत देता है मरने वाला इस तरह कुरान करीम फरमाता है क्या तुम इस चीज़ से महफूज हो कि तुम पर छत गिर जाए तुम तुम पर बवाल नाजुल हो जाए आसमान से टुकड़ा गिर जाए तुम महफूज नहीं हो इसलिए हर शख़्स अपनी आकबत की खबर करे किसी वक्त भी उस पर इन बलाओं में से कोई नाजर हो सकती है बस ये शहीद है उन आयात करीमा की सेहत की ये यानी ये, 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 ये मरने वाले शहीद हो जाते हैं इस आयत करीमा की सेहत के हक़ में और इसी तरह देखें इन दोनों का ताल्लुक है कुर करीम में आता है तुम क्या इस बात से महफूज हो कि तुम पर छत गिरे या तुम छत के साथ नीचे जागिरो और तुम ऊपर से तुम पर कोई चीज़ गिरे या तुम्हारे नीचे से ज़मीन निकल जाए अगला है वल व शहात किसी गड़े या कुं में गिरकर मारे जाने वाला भी शहीद हो जाता है यानी हमारे ऊपर हर तरफ़ से मौत मसलत है इन आयात करीमा उन आयात करीमा में जिन में ये जिक्र मुख्तलिफ मानों में मिलता है उनकी तकरीबन मेरे ख़्याल में तकरीबन ही सबकी मिसाल रसूल सल्लम के इस शहादत के मौजूं पर मिल जाती है और मतलब चीज़ें हैं किसी न किसी आज से इनका जोड़ साबित है अब एक और शहादत का जिक्र है जो शख्स हक़ पर मारा जाए वो ज़रूरी नहीं कि दीन की खातिर हक़ हो अगर अल्लाह ने उसको हक़ दिया है और हक़ की हिफ़ाजत में मारा जाए तो उसका दर्जा शहदा से करीब तर होगा बैन ही वो, वो लघवी शहीद तो नहीं बनेंगे मगर इन मानों में वो करीब तरीन होंगे चुनाचे रसोल असल में फरमाया व मन खोतिला दूना माल ही जो अपने माल की हिफाजत करते हुए शहीद हो अगर अगरचि बज़ाहिर माल की हिफाजत करना कोई नेकी का काम नहीं मगर अल्लाह ने उसके माल को मोहतरम बना दिया था हराम कर दिया था दूसरों पर बस अल्लाह ने जो उसको अता किया उसकी हिफाजत में जो मरता है वो भी एक नेकी का फेर समझा जाएगा ये अल्लाह तारा का एहसान है कि इन लोगों को भी एक गुना शहादत का मसील बना दी शहीदों का मसील बना दिया गया लेकिन इससे हरगिज ये मुराद नहीं कि उनको मरने के बाद शहीदों का रुतबा अता किया जाएगा क्योंकि मन खुतला दूना माल ही में मन आम है और इसमें मुसलमान होना शर्त नहीं है और मन आम होने के लिहाज से सारी दुनिया में हर रोज़ ही लोगों के मालों पर छीना झपटी होती है और बकसरत लोग मालों की हिफाजत में मरते हैंमत आई पड़ी है दुनिया में तो गया ये ज़माना शहदा का ज़माना है इस सारे मालों के लिए मरने वाले जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं क्या ये नाउज़ शहदा में दाखिल होंगे हरगिज़ नहीं ये मुराद नहीं है कि मन कुतला दूना माल ही जो अपने माल की हिफाजत करेगा वो शहीद होगा एक और माना यहाँ शहादत का ये बनता है कि अपने माल की हिफाज़त में मरने वाला एक नुमा हैसियत इख्तियार कर जाता है वो गवाह बन जाता है कौम की बदकरदारी पर और इन हालात पर जिन हालात में माल महफूज नहीं रहे और ऐसे शख्स के नाम अखबारों में उछाले जाते हैं आए दिन लोग मरते हैं उनके नाम उछाले नहीं जाते मगर लड़ने वाला का कैसा ही बदकरदार हो अगर अपने माल की हिफाजत में मरता है तो अखबारों में उसके नाम छप जाते हैं टेलीविजन पर नाम आ जाते हैं तो इसलिए वो एक किस्म का शहीद दिन मालूम है कि सबके सामने इस बात का गवाह हो गया कि कौम बदकिरदार हो चुकी है यहाँ माल जान महफूज नहीं है मन दून ही आ जो अपने अहल आयाल को से बचाते हुए मरता है वो भी एक किस्म का शहीद है ये पहली नवी किस्म की जैल में आता है बहुत से लोग अपने अहलोयाल को बचाते हुए मरते हैं जबकि ख़ुद उनकी ज़िंदगी उनके बाद दफ़ा एलोयाल की ज़िंदगी भी देरीत में सरफ होती है और दीन हक़ की मखालफत में सरफ़ होती है बस ये दोनों शहीद उसी जैल में आते हैं इनसे अल्लाह कुछ नरमी का सलूक फरमाए तो अल्लाह की मर्जी है मगर इनको बहरहाल वो शहादत का मरतबा नहीं मिलेगा जो दीन हक़ की खातर मरने वाले को मिलता है ख़तर होने वाले को मिलता है मौत रजुल फिल बत शहादत वदन से दूरी की हालत में मौत भी एक शहादत है इसमें महाजरीन भी शामिल हैं जो अगर मरते हैं तो वो शहादत दीन की शहादत है लेकिन जो अपने नफ्स की खातिर से हजरत करते हैं और सफ़र करते हैं उनमें बक़सरत ऐसे महाजरीन शामिल हैं जो करोड़ लाखों करोड़ों तक पहुँच गए हैं जो अपने वतन को छोड़ते हैं माली अगराज की खातिर या ऐसे दबाव के नतीजे में जिसका दीन से कोई भी ताल्लुक नहीं तो अगर आप इन अल्फाज को आम करना शुरू करें जैसा कि बाज़ो कहते हैं वो शहीद हो गया वो भी शहीद हो गया तो जितने भी अपने वतन से निकले हुए धोखे देकर दूसरे मुल्कों में दाखिल हुए झूठ का सहारा लेकर परा ढूँढने वाले जब ही मरेंगे शहीद हो जाएंगे। ये हरगिज़ मुराद नहीं है फिर रबत शहादत किस चीज़ की शहादत है किसी चीज़ की शहादत है बाज बाज़रबत की मौतें अल्लाह की खातिर हैं, बाज़ नफ्स की खातिर हैं बाज दुनियावी जुल्म, जुल्म, जुल्मों की खातिर है कर्जी के हर मरने वाला उस वजह के लिए गवाह बन जाता है जो वजह उसके वतन छोड़ने का मुझे बनी। अब देखें यहाँ पहले सब में मुसलमान मुराद नहीं थे और अमूमी बयान था अब इस बारवें नंबर पर रसूल वसम वज़ तौर पर मुसलमान का ज़िक्र फरमा रहे हैं मामिन मुसलि युज़लमता फैतुल्ला पुतल शहीद ऐसा मुसलमान जो म की वजह से लड़ने पर मजबूर हो फिर कतल हो जाए वह शहीद है अगरचे दीन की खातिर झुलम ना हो अगर कोई ऐसा मुसलमान हो है मुसलमान लेकिन मारा गया है जुल्म के नतीजे में उसको भी खुदा तला शहादत का एक वर्तमता फरमाएगा अच्छा जी अब ये शहीदान इश्क भी हैं दुनिया में इसी पर बात ख़त्म हाँ कर देंगे मन अशिका फकतमा फ अफा फ माता फ व शहीद जो शख़्स आशिक हो गया किसी पर लेकिन इश्क को छुपाए रखा और इफत इख्तियार की फिर इसी हाल में मर गया तो वह शहीद है अब क्या वो सारे शोरा जो इसी किस्म की शहादत के दावेदार हैं वो जन्नत में जाएंगे बाद शहरात तो शहरा तो आम ऐलान करते हैं ना इश्क का उनका तो ज़िक्र ही कोई नहीं मगर बाद शहरा कहते हैं कि हमने अपने दिल में छुपाया हुआ है वो बदनाम ना हुआ हमारा महबूब वो तो इस बयान में आ जाएंगे तो क्या इस बिना पर वो कुश्त इश्क शुमार होकर जन्नत में दाखिल होंगे यहाँ जन्नत में उनका दाखिल होना इम्कान है अगर ये शर्तें पूरी पूरी करने वाले हों कतमा व माता इस हालत में वो इश्क को छुपाए फिरे कि उसकी वो इफ़त वजह हो उसकी ये चूँकि अल्लाह की खातर होगा इसलिए ऐसी हालत में अगर मर गया तो अल्लाह उसको जजा देगा इससे हमें कोई फर नहीं और उम्मीद यही रखते हैं कि ऐसे कुछता कुछ इश्क भी अल्लाह की मफ्रत की चादर में बैठे जाएंगे ठीक है okay. अभी काफ़ी दिन लगने हैं शायद पर आप <coughs> मैं कहा अभी सबर से बैठे रहो काफ़ी दिन लगने हैं शायद पर बड़ी लंबी आयत है बहुत वसीब मानेगा